नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है कि अंडरगारमेंट्स के बारे में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों को कि किस तरह के अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, तो आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूरे समाज का है कि किस प्रोफेशन के लोगों को, किस पर्सनैलिटी के लोगों को, किस उम्र के लोगों को कैसे अंडरगारमेंट्स यूज़ करने चाहिए। दूसरा, गलत तरह के अंडरगारमेंट्स अगर यूज़ करते हैं, अगर अंडरगारमेंट्स के एटिकेट्स ना हों तो क्या क्या नुकसान हो सकता है उसे। और फिर कई सारे मिथ्स होते हैं, भ्रांतियाँ होती हैं अंडरगारमेंट्स के बारे में, तो उन मिथ्स का भी मैं आंसर दूंगा आपको। फिर लेडीज़ के भी बड़े सारे हेल्थ कंसर्न्स होते हैं अंडरगारमेंट्स के बारे में कि कैसे अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, कैसे ना करें। फिर आज के दौर में सबसे सुरक्षित अंडरगारमेंट्स कौन से हैं, जो सबसे सेफ़ हैं, क्योंकि अंडरगारमेंट्स का रिलेशन हमारी हेल्थ के साथ है। तो एक एक पॉइंट का मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस उम्र के, किस पर्सनैलिटी के, किस प्रोफेशन के लोगों को कैसे अंडरगारमेंट्स यूज़ करने चाहिए। देखिए, कोई टैक्सी ड्राइवर है जो लगातार काफ़ी घंटे तक ड्राइविंग करते हैं, या कोई बोझा साइकिल पर लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर लेके जा रहे हैं, लंबे टाइम तक ऐसे चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या फिर कोई वेट लिफ्टर हैं, जिम में काम करते हैं, जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, या फिर रेसलर्स हैं, या फिर कोई आईटी पर्सनल हैं, या फिर कोई क्लर्कियल जॉब में लगातार एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है उनको, तो उससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना होता है, उससे दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर अनकंफर्टेबल रहते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो उससे बड़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि जब अंडरगारमेंट्स की जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो अंडरगारमेंट्स इतने पुराने हैं, 7,000 साल पुराने, जितने कि वैज्ञानिकों की नज़र में मानव सभ्यता का इतिहास है। तो अब पिछले लगभग 700 सालों से बड़े सारे फैशन एक इंट्रोड्यूस हो गए अंडरगारमेंट्स में, और पिछले 70 साल से, जब से कि ये सिंथेटिक जो फाइबर्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए वर्ल्ड में आज से 70-80 साल पहले, तब से तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर शुरू हो गई। और पिछले 30 सालों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया में बड़ी सारी रिसर्च हुई, फ्रांस में भी यूनिवर्सिटी रिसर्च हुई कि तरह तरह की जो फ्रेंचीज आती हैं ये यूज़ करने से क्या क्या दिक्कत होती हैं, सिंथेटिक एक्रेलिक फाइबर्स यूज़ करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे कि जो भी जो सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, इनमें चाहे रेयन हो, चाहे नायलॉन हो, या पोलिस्टर हो, या एक्रेलिक हो, सभी फाइबर्स में बनाने में बड़े सारे केमिकल्स यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, नाइट्रिक एसिड इस तरह से, और फॉर्मेल्डिहाइड, बेरियम सल्फेट इस तरह से। और फिर इनके पूरी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि एक तो लोकल एरिया में जहाँ से केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे स्वेट पसीना आ गया, पसीने के साथ ही केमिकल्स इवेपोरेट होकर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और पूरी एक तो लोकल इफेक्ट आते हैं, पूरे सिस्टमिक इफेक्ट भी आते हैं, चाहे स्किन का इरिटेशन हो, जांगे लग गई यहाँ पे, और इंटरट्राइगो जिसे जो किच बोलते हैं, और फिर जब एब्जॉर्ब हो गए, आँखों में से पानी आना, या नाक से सेक्रेशंस आना, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, और फिर यूटीआई के चांसेस, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूटीआई होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पहले यूटीआई होंगे, बाद में किडनी में स्टोन बन जाएंगे, किडनी में स्टोन ही देखने को। और मेल्स में अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होगा, पहले यूटीआई होगा, फिर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन साइज बढ़ जाएगा प्रोस्टेट का, और फिर प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए कुछ एटिकेट्स हमें यूज़ करने होंगे इसमें, कि हम इसके साइड इफेक्ट से बच सकें। उसके लिए एक तो फ्रीक्वेंटली हम चेंज करें ये जो अंडरगारमेंट्स हैं, इनको वॉशिंग अच्छी तरह से होती रहे, समय समय से वॉशिंग होती रहे। और अगर जो अंडरगारमेंट्स वाश करने हैं, तो एक छोटा सा मग्गा लेके उस मग्गे में अंडरगारमेंट्स ही डुबो दें, वाश कर दें डिटर्जेंट डाल के। और जो बच्चे हैं, किड्स हैं, किड्स के कपड़े अलग वाश करें, किड्स के कपड़े अलग हों, और बड़ों के अंडरगारमेंट्स, क्योंकि उसमें पेनाइल सिक्रीशंस होते हैं, पेनिसिल सिक्रीशंस होते हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं, और फिर उसमें स्मैग्मा होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, खमीर लग जाता है, और फिर वायरस होते हैं, तो तरह तरह के फंगस होती है। इस तरह से तरह तरह के इन्फेक्शन वाले जो अंडरगारमेंट्स हैं, वो अलग से वाश करेंगे तो अच्छा रहेगा, बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। और फिर अंडरगारमेंट्स को अच्छी तरह से धूप में सुखाएं, उसको इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अंडरगारमेंट्स तो सभी यूज़ करते हैं, तो धूप में खुल के सुखाएं, बस ये कि जो सुखाने की जगह उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें पहले कपड़े से, फिर सुखाएं इनको। और अंडरगारमेंट्स शेयर ना करें, जो पीजीज में रहते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो कई बार शेयर कर लेते हैं, तो अंडरगारमेंट शेयर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, अंडरगारमेंट्स जब उसकी इलास्टिक वगैरह ख़राब हो जाए, तो उसको बदल भी दें, तो चेंज भी कर दें, 8 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, या बर्थडे पे तो ज़रूर उसको चेंज कर दें अंडरगारमेंट्स को, ये ध्यान रखें। और एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितने अंडरगारमेंट्स रखें,
तो ऐसा रिसर्च किया साइंटिस्ट ने कि पिछले 200 सालों में जितने अंडरगारमेंट्स यूज़ हुए हैं इतने आने वाले 10 सालों में यूज़ हो जाएंगे, इतने ही मानव जाति यूज़ कर लेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक बन रहा है, बड़ी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जितने ज़रूरत है उतने रखें, बार बार नए लाते रहें, 6-7-8 अंडरगारमेंट्स काफ़ी होते हैं, तो ये ध्यान रखें। मैंने तो बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं इस चीज़ के लिए कि अंडरगारमेंट्स के हार्म से कैसे बच सकते हैं। तो हमें अंडरगारमेंट्स जो यूज़ करने हैं वो कंफर्ट के लिए यूज़ करने हैं, हमें कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करने। जितना हम कम्फर्ट के लिए रहेंगे, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं वो यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, और गंदे अंडरगारमेंट्स यूज़ ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एक एक चीज़ से हमारी हेल्थ डिसाइड होती है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि मिथ्स के बारे में। बड़ी सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि क्या सच में रात में अंडरगारमेंट्स पहन के सोएं या ना सोएं, और अंडरगारमेंट्स का मेंटेनेंस कैसे करें। तो रात में लूज अंडरगारमेंट्स पहन के सो सकते हैं, ऐसा ना करें कि बिल्कुल ना ही पहने, क्योंकि बेडशीट जो है वो भी गंदी होती है, डेली वाश तो नहीं होती, इसलिए अंडरगारमेंट्स एक हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो वजाइना वल्वा है, वल्वा बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है बॉडी का, बैक्टीरिया बड़ी जल्दी से यहाँ से ट्रैवल कर जाते हैं और वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए रात को भी लूज़ कॉटन के अंडरगारमेंट, जैसे कॉटन के शॉर्ट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कर लें। फिर एक लेडीज़ को किस तरह के अंडरगारमेंट्स यूज़ करने चाहिए। लेडीज़ की जो डिफरेंट स्टेज होती हैं, जैसे छोटी बच्चियां हैं, इनको यूटीआई के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें सफाई का ध्यान रखना है और फ्रिक्वेंटली चेंज भी करते रहें। अगर किसी दिन बाई चांस ना ना है कोई सर्दी की वजह से या कोई ट्रैवलिंग की है, तो उस दिन भी अंडरगारमेंट जरूर चेंज कर दें, ये ध्यान रखना है। फिर जो थोड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, टीनेज की गर्ल्स होती हैं, टीनेजर्स होती हैं गर्ल्स, वो कई बार शाही उनकी नेचर होती है, और वो अगर यूटीआई है तो उसे बता भी नहीं पाती, और जब दिक्कत बढ़ जाती है तब पता लगता है कि किडनी में स्टोन हो गया। तो ये चीज़ खुल के डिस्कशन होनी चाहिए कि उसकी अंडरगारमेंट्स की एटिकेट्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हाइजीन रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के समय में तो उनको फ्रीक्वेंटली हमें चेंज करते रहना चाहिए, और हाइजीन का बड़ा ध्यान। जितनी हमारी ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, इतनी ही हमारी प्राइवेट ऑर्गन्स की भी हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान रखें। जितनी हमारी किचन की हम सफाई रखना चाहते हैं, हाइजीन रखना चाहते हैं, जितनी हम एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाइजीन रखना चाहते हैं, उतनी ही हमारे टॉयलेट की भी हाइजीन होनी चाहिए, तो हाइजीन में हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये है। दूसरा, फिर जो प्रेगनेंसी का समय होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी अंडरगारमेंट्स जो हैं, अगर साइज़ हमारा बढ़ रहा है तो साइज वो चेंज कर लेने चाहिए। इल फिटिंग के, टाई फिटिंग के अंडरगारमेंट्स कभी यूज़ ना करें, उससे नुकसान होता है। और फिर जब जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसमें भी सिक्रीशंस ऊज होते रहते हैं, सिक्रीशन ऊज होते रहते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया या यीस्ट या फंगस को मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाता है, उसमें भी फ्रिक्वेंटली चेंज करने पड़ेंगे, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो मेनोपोज की एज होती है, मेनोपोज की एज में भी जब महावारी बंद होने वाली होती है, तो कई बार अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी फ्रिक्वेंटली अंडरगारमेंट चेंज करने होंगे, ये ध्यान रखें। बाकी मेरा टॉप प्रायोरिटी रहती है कि अंडरगारमेंट्स में कंफर्ट जो है, हमारी बॉडी की फिटनेस है, वो टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। कॉस्मेटिक पर्पज़ का हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, कि जितना भी अगर सूती कपड़े के अंडरगारमेंट्स ज़्यादा अच्छे होंगे हैं, तो अगर सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स ज़्यादा होंगे, तो सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स में जो जैसे ब्रा की स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादा चुभने वाली होगी तो नुकसान होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारे लिए ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ना हो, या ज़्यादा इसमें सिलिकॉन के इंसर्ट्स लगा लेते हैं लोग, उसे भी बचना होगा। रूटीन में ना यूज़ करें, कभी फंक्शन वगैरह पे कभी लगाने पड़े तो है, अदरवाइज कोई पैड्स वगैरह ज़्यादा ना लगाएं, तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि हमारी हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी रहे, ये ध्यान रखना है। अब बात आते हैं कि आजकल के दौर में सबसे सुरक्षित अंडरगारमेंट्स कौन से हैं, तो मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने नोट्स बनाए हैं सुरक्षित अंडरगारमेंट्स के बारे में भी, ये देखिए। तो ये सुरक्षित की अगर हम बात करेंगे, तो मेरा जो पर्सनल अंडरगारमेंट है, ये देखिए, मेरा ये कॉटन का अंडरगारमेंट है, और ये है, और फिर ये लंगोटा कॉटन का, जिस कपड़े की ये बनी होती हैं, ये मलमल का कपड़ा है, जैसे बैंडेज बनी होती है, उसी कपड़े का लंगोट, ये इसमें बड़ा ही अच्छा वेंटिलेशन रहता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और जो खासकर वेट लिफ्टर्स हैं, तो उनको तो बहुत ही ज़रा, जिससे कि जो टेस्टिकल्स हैं हमारे, जो हमारे स्पर्म्स हैं, जो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, कीमती स्पर्म्स बनते हैं हमारे टेस्टिकल्स में, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्पर्म्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइट फिटिंग के हम कपड़े पहनेंगे, फ्रेंचीज, एक तो बॉक्सर्स होते हैं, ये बॉक्सर्स हो गए, ये लंबे वाले, और ये फ्रेंचीज हो गई, इनमें बड़ा ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है बॉडी का। और अगर ये कॉटन के कपड़े होंगे, ये सेफ़ हैं, इनमें टेम्परेचर ठीक रहता है, फिर भी। इसी तरह से बनियान है, तो बनियान ये मेरी 20 ग्राम की बनियान है, मुझसे इसे कमरी समीज कहते हैं हरियाणा में इसे। तो इनमें जो अगर हम कॉटन के पहनते हैं, इनसे टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता टेस्टिकल्स का। अगर टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसे इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्रांस में जब रिसर्च हुई, तो उसमें देखा कि 25-30% स्पर्म्स कम हो गए थे,
जिन्होंने लगातार लाइफ में काफ़ी कई कई साल तक फ्रेंचाइज पहनी तो उनको दिक्कत हुई, तो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो इसके लिए वेंटिलेशन वाले अंडरगारमेंट्स हम यूज़ करेंगे तो सेफ़ रहेंगे और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हम जितना भी जो फर्टाइल पीरियड है हमारा वही ज़्यादा इम्यूनिटी वाला पीरियड होता है बॉडी का, तो इम्यूनिटी का हमारी फर्टिलिटी से सीधा रिलेशन है। फर्टिलिटी का जो डिस्टर्ब होती है वो सारे सिंथेटिक अंडरगारमेंट से ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए कॉटन के अंडरगारमेंट्स हमेशा सेफ रहेंगे, ये ध्यान रखें। बाकी मैं तो एक डॉक्टर हूँ, MBBS MD डॉक्टर हूँ, मेरा तो फैक्ट्स बताने का काम था आपको। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये खाली हरियाणा के ही एक टॉपिक ना रहे, पूरे देश में सब लोगों को इसको पता लगे, क्योंकि लोग हिचकिचाते हैं इसके बारे में डिस्कशन करने में। तो हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, जिससे भी हमारी बॉडी की हेल्थ की रक्षा होती है वही काम हमें सबके साथ डिस्कशन करना चाहिए। मैंने तो जब मच्छरदानी के बारे में वीडियो बनाई लाखों लोगों ने देखी, 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी। जब मैंने आटा चक्की के बारे में वीडियो बनाई वो भी 40 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखी। इसी तरह से इस वीडियो की भी बड़ी ज़रूरत है समाज को, हर समाज के लोगों को लिए। देखिए जैसे स्मोकिंग है, जैसे ड्रिंक करना है, ये सब सभी उम्र के लोगों के लिए नुकसानदायक है, इसी तरह से टोबैको है, बीड़ी पीना, इसी तरह से जो अंडरगारमेंट्स भी अगर गलत होंगे ये तो बच्चों को भी नुकसान देंगे, जवान को भी नुकसान देंगे, बूढ़े को भी नुकसान देंगे, तो इसलिए किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे ड्रग इंडस्ट्री के में जो मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिन में जैसे लॉ है कि ये वाली इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, इसको यूज़ ना करें, स्टीरॉयड को ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें, इसी तरह से इसके भी लॉ होने चाहिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी अच्छे लॉ होने चाहिए कि ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ अवेलेबल ही ना हो मार्केट में, जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो। बाकी अगर आप भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स देंगे तो ये वीडियो एक परफेक्ट वीडियो बन जाएगी, ये परफेक्ट सेशन हो जाएगा, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप खुल के कमेंट्स करें जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिले। थैंक यू। मेरा जो YouTube चैनल है जगदम्बा बेबी केयर नाम से, मैंने ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो कृपया आप उसको भी देखें, जिसमें कि हर इशू हेल्थ इशू के बारे में है। जगदम्बा बेबी केयर इसको ज़रूर देखें आप। थैंक यू।